गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस सवाना आज क्लास फोर विषय हिंदी लेसन टू छाया का सौदा कहानी पढ़ाऊंगी। छाया, छाया समझते हो ना, छाया धूप छांव। सौदा, सौदा का मतलब होता है खरीद बिक्री, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। तो यहाँ पे जो कहानी है ये छाया का सौदा, मतलब छाया की खरीद और बिक्री होती है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को जानेंगे। मनुष्य के मानवीय व्यवहार में दो ऐसी खामियां होती है, लालच और कंजूसी। मानवीय व्यवहार की दो ऐसी खामियां होती है, दो ऐसी कमियां होती है जो दूसरों के लिए परेशानी तो लाती ही है, दूसरों के लिए परेशानी तो लाती ही है, खुद को भी मुसीबत में डाल देती है। और ऐसे मनुष्य को अंत में पछताना पड़ता है। तो इस कहानी के द्वारा हम लोग इस बात पे प्रकाश डालेंगे। तो अब मैं कहानी को पढ़ूंगी और आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। किसी शहर में बनवारी लाल नाम का एक कंजूस आदमी रहता। एक शहर था, वहां एक बनवारी लाल नाम का आदमी रहता। वो बहुत ही कंजूस था। कंजूस का मतलब समझते हो ना, बहुत कंजूस। वो खर्च नहीं करता है, पैसे को रखता है, कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ खर्च ही नहीं करता है। वो सिर्फ पैसे को वो क्या करता है, वो जमा करता है। तो बनवारी लाल जो था एक कंजूस आदमी था। एक दिन वह अपने घर के सामने बगीचे की सफाई कर रहा था। एक दिन वह अपने घर के सामने अपने बगीचे की वो सफाई कर रहा था, तभी वहाँ से एक राहगीर गुजरा। राहगीर का मतलब होता है जो रास्ते पर चलने वाला, राही जिसको बोलते हैं, रास्ते में बहुत सारे लोग चलते हैं ना, उसको राहगीर बोलते हैं। तभी राहगीर वहाँ से गुजर रहा था, जा रहा था। और गर्मी बहुत था, गर्मी और थकान के कारण वो राहगीर सोचा कि हम थोड़ा सा क्या करें, सुस्ता लें, मतलब थोड़ा सा आराम करते हैं। इसलिए वह थोड़ी देर आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, इधर उधर देखने लगा, कहीं पर कुछ छाया में जगह मिलेगा, ठंडा जगह मिलेगा तो मैं वहाँ बैठ कर क्या करूँगा, आराम करूँगा। तभी उसकी नज़र बगीचे में खड़े घने वृक्ष की ओर गई। जिस बगीचे की सफाई बनवारी लाल कर रहा था, वो उस बगीचे में एक बहुत बड़ा सा घना वृक्ष था। और उस पेड़ था। तो वहाँ पर राहगीर सोचा कि उसको दिखाई दे वो पेड़, तो वो सोचा कि अब मैं इसी पेड़ के नीचे जाके मैं क्या करता हूँ, आराम करता हूँ। जिसकी छाया सड़क पर फैली हुई, मतलब बाउंड्री वॉल था, छाया जो पेड़ जो था वो यहाँ पे बाउंड्री वॉल के इस साइड और रोड उस साइड। तो जब पेड़ जो बड़ा होगा तो उसकी पूरी टहनी इधर उधर फैलेगी ना, तो वो पेड़ का टहनी जो है वो कहाँ चला गया था, बाउंड्री वॉल के बाहर चला गया था, जिसके कारण वहाँ भी छाया आ गई। तो वो राहगीर सोचा कि मैं इसी छाया के नीचे मैं क्या करता हूँ, जाके आराम करता हूँ। और वो क्या क्या बाउंड्री वॉल में ही अपना पीठ को ऐसे टिका करके वो क्या करने लगा, आराम करने लगा। तभी बनवारी लाल की नज़र उस पर पड़ी। जब बनवारी लाल देखा कि अरे ये आदमी यहाँ बैठा है, तो वो क्या हुआ, वो आया, निकल कर आया गुस्सा से, आग बबूला होकर चिल्लाने लगा और बोला, ए हटो वहाँ से, कहीं और जाकर बैठो। बोला, यहाँ से तुम हटो, कहीं और जाकर के बैठो। उसकी आवाज़ सुनकर राहगीर ने पलट कर देखा। जब राहगीर बैठा था तो उसका आवाज़ सुन कौन बोल रहा है, तो वो देखता है क्या कि वो एक आदमी है बोल रहा है, तो उसको पलट कर देखता है तो बोलता है, क्या जनाब यह जगह सार्वजनिक है। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी, सरकारी जगह में सब लोग आ जा सकते हैं, प्राइवेट जगह में कोई आ जा नहीं सकता। सार्वजनिक है मतलब ये जगह सरकारी है और यहाँ कोई भी बैठ सकता है। बोला, ये जगह जो है ये सरकारी है, यहाँ कोई भी बैठ सकता है, मुझे मत समझाओ। बनवारी लाल बोलता है, मुझे मत समझाओ, यह घर मेरा है। बोलता है, यह घर मेरा है और यह पेड़ भी मेरा है, इसलिए इस पेड़ की छाया में मेरी, इसलिए जो ये पेड़ जो है इसका छाया जो जहाँ पर जाता है, उस छाया का मालिक कौन है, मैं हूँ। और जिसमें तुम बैठे हो ना, अभी तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरा नाम बनवारी लाल है। वह गुस्से से बोलने लगता है, मैं तुम बैठे हो यहाँ से तुरंत यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरा नाम बनवारी लाल है। उसका नाम सुनते ही राहगीर सोचने लगा। जब उसका नाम वह सुना बनवारी लाल, तो वह सुन करके राहगीर क्या करने लगा, सोचने लगा। तब वो बोलता है, तो मन में सोचने लगता है, तो यह बनवारी लाल है जिसके चर्चे
पूरे शहर में फैले हुए हैं। उस बरवारी राजा और उसका कंजूसी का कारनामा जो है उसके बारे में पूरा शहर में ये बात फैला था। राहगीर भी उस बात को सुना था तो तब उसको समझ में आया कि ये आदमी वही है जिसके बारे में मैं पहले भी सुन चुका हूँ, इसे तो मैं जरूर सबक सिखाऊँ। तब वो आदमी क्या सोचता है, राहगीर इसे तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगा ताकि आगे से यह किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करे, ताकि यह आगे से किसी के साथ भी बुरा बर्ताव ना करे। यह सोचकर वह राहगीर तुरंत नम्र पड़ गया और बोला, वो गुस्से में नहीं बोला, वो शांत हो गया, वो अच्छे से बोलता है, बोलता है, महाशय आपने ठीक कहा कि यह पेड़ आपका है लेकिन इसकी छाया तो चार दीवारी से बाहर है। आपने आपने बताया कि यह पेड़ आपका है लेकिन इस पेड़ की छाया जो है, ये पेड़ जो है वो चार दीवारी से बाहर है, आपका घर के अंदर वो आपका चार दीवारी के अंदर नहीं, वो बाहर है, तो आप यह छाया मुझे क्यों नहीं बेच देते। तो बोला, आप मुझे ये छाया क्यों नहीं बेच देते, मैं आपको इसके लिए 500 रुपये दूंगा। कितने रुपये दूंगा? 500 रुपये, और वो भी इस पेड़ की छाया के। तो बनवारी लाल बोलता है, 500 रुपये वो भी इस पेड़ की छाया के, क्या तुम मुझे क्या कोई बेवकूफ़ लग, तब वो होता है कि तुम मुझे कोई बेवकूफ़ लगते हो। बनवारी लाल वो मन ही मन में सोचते हुए बोलता है, ठीक है 500 रुपये में सौदा तय हुआ। बोला ठीक है, मन में सोचने लगा कि लगता है यह कोई बेवकूफ़ ही है जो पेड़ का छाया 500 रुपये में खरीदने जाता है। वो कुछ और सोचता, इसे पहले बोलता, हाँ ठीक है 500 रुपये में सौदा क्या हो गया तय हो गया, ठीक है मैं ये आपको छाया 500 रुपये में बेच देता हूँ। वह राहगीर मुस्कुराते हुए मुस्कुराने लगा, राहगीर जनाब अगर आप इस बात का एक इकरारनामा बना। तो राहगीर उसको बोलता है कि जनाब, मतलब बनवारी लाल को, कि अगर आप मुझे जो आप मुझे छाया बेच रहे हैं इस बात का अगर मुझे कुछ लिखित रूप में अगर आप कुछ दे दें तो अच्छा होगा, क्यों नहीं। तो बनवारी लाल बोलता, क्यों नहीं, भला मुझे क्यों कोई ऐतराज हो, मैं अभी कागज पर लिख कर लाता हूँ। वो क्या करता है, वो तुरंत बनवारी लाल कागज पर लिख के ला देता है यह कहकर कि यह छाया मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें बेच रहा हूँ। बनवारी लाल तुरंत अपने घर के अंदर गया और एक पेड़ पर एक कागज पर पेड़ की छाया के सौदे के बारे में लिख करके लाता है और उसे फिर राहगीर को दे देता है और बोलता है, अब इस पेड़ की छाया तुम्हारी, बोला अब इस पेड़ की छाया क्या हो गई तुम्हारी। राहगीर खुशी खुशी वह कागज लेकर अपने रास्ते चला जाता, वो वहाँ से फिर वो चला जाता। अगले दिन जैसे ही बनवारी लाल अपने घर से बाहर आया, अगले दिन क्या होता है देखता है क्या, बनवारी लाल जैसे ही अपने घर से बाहर आया तो उसने उसी राहगीर को घर के भीतर खड़े देखा। अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है क्या, वो राहगीर अगले दिन उसके घर के अंदर खड़ा। यह देखकर बनवारी लाल गुस्सा होते हुए बोला, अरे तुम घर के भीतर घुस गए, अरे तुम मेरे घर के अंदर क्यों घुस गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे थी। तब राहगीर उसको मुस्कुराते हुए बोलता है, महाशय आपने ध्यान से नहीं देखा। तब उसको राहगीर उसको मुस्कुराते हुए बोलता है, महाशय आपने शायद ध्यान से नहीं देखा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ आपके वृक्ष की छाया अभी वही है, मतलब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वृक्ष की छाया यही है, मैं इस छाया का मालिक हूँ, मैंने इस छाया को क्या क्या है खरीदा है, अब यह जहाँ जाएगी मैं भी वहीं जाऊँगा, बोला यह छाया जहाँ जाएगी मैं भी वहाँ जाऊँगा। बनवारी लाल उसकी बात सुनकर झुंझला पड़ता है, मतलब गुस्सा में लगता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। दिन चढ़ने के साथ साथ पेड़ की छाया बनवारी लाल के घर के दरवाजे तक जा पहुंची। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, दोपहर से फिर वो धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ने लगा, तो छाया जो है वो धीरे धीरे बनवारी लाल के घर के दरवाजे तक पहुँच गई। वह राहगीर वहीं पर जाकर के लेट गए। बनवारी लाल समझ गया कि उसने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले लिया है। तो बनवारी लाल को समझ में आ गया कि मैंने मुसीबत मोल ले लिया है, तब मैंने खुद अपने आप पे मुसीबत डाल लिया है। अब यह सिलसिला रोज का ही, अब ये सिलसिला जो था वो डेली रोज का बन गया है। वह राहगीर सुबह सुबह भोजन पानी लेकर वहाँ आ गया। राहगीर क्या करता था,
वो सुबह सुबह खाने पीने का अपना नाश्ता खाना सब सामान सब ना ले आता था, और जब शाम होता था तब वो फिर वहाँ से लौट जाता था। एक दिन बनवारी लाल की बेटी की मंगनी तय हुई। एक दिन क्या हुआ, बनवारी लाल की बेटी उसके उसका शादी तय हुआ। निश्चित समय पर लड़के वाले और अन्य मेहमान घर आ पहुँचे। समय पे लड़के वाले और कुछ मेहमान उसके घर आ पहुँचे। दावत का इंतजाम बगीचे में था। दावत का जो खाने पीने का इंतजाम जो किया था वो बगीचे में। अचानक वह राहगीर भी वहाँ पर आ गया। अचानक से राहगीर क्या हो गया, वो वहाँ पर आ पहुँचा। बनवारी लाल का दामाद उसी पेड़ की छाया में आराम से कुर्सी पर बैठा। और जहाँ पर वो पेड़ की छाया था, बनवारी लाल का दामाद जो होने वाला दामाद जो था वो उसी पेड़ की छाया में कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो राहगीर उसके पास आकर बोलता है, ए महाशय चुपचाप खड़े हो जाओ और यहाँ से चलते बढ़ो। तो वो बनवारी राहगीर जो है वो मेहमान के पास जाता है, उसके दामाद के पास जाता है और बोलता है, ए महाशय मतलब यहाँ से तुम उठो और यहाँ से चलते बढ़ो। इतना सुनकर उसके दामाद को गुस्सा आ जाता है और बोला, कौन हो तुम, बोलता है कौन हो तुम, यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दोनों की तेज आवाज सुनकर सभी मेहमानों का ध्यान उनकी ओर चला गया। जब दोनों में बहस होने लगा तो आवाज सुन करके और सब मेहमान जो है वो वहां आ पहुंचे। बनवारी लाल ने जैसे ही उस राहगीर को देखा वह उसकी ओर लपका। जैसे ही बनवारी लाल देखा वो राहगीर आ गया है तो उसी उसके पास गया और राहगीर उसके दामाद से कह रहा था, देखो तुम जहाँ खड़े हो वह मेरी संपत्ति है। मतलब तुम जहाँ पर खड़े हो यह मेरी जगह है, यह मेरी संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति नहीं है। इसमें दामाद क्या होने लगता है, घुराने लगता है, गुस्सा होने लगता है। हाँ, क्योंकि इस घर के मालिक ने इतना कुछ कहता, इतना वो राहगीर कह ही रहा था, इसके कुछ कहने से पहले ही बनवारी लाल आकर उसका मुंह क्या कर देता है, बंद करके उसे बाहर की तरफ ले जाता है। फिर उसने राहगीर को समझाते हुए कहा, तो वो राहगीर को समझाता है, बोलता है, देखो मैं अपनी गलती मानता हूँ, तू मुझे मेरे पेड़ की छाया वापस दे दो और अपने पैसे वापस ले लो। मतलब मैं अपनी छाया बेचना नहीं चाहता हूँ, तुम वो छाया को तुम वापस ले लो और दे दो और अपने पैसे वापस ले लो। परंतु राहगीर उसकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। राहगीर उसकी बात बिल्कुल मानना नहीं चाहता। आखिर जब बनवारी लाल ने काफ़ी बहस के बाद उसे 5,000 रुपये देने की बात कही, जब बनवारी लाल ने उसे जब वो थक के हार गया तब उसने उसे 5,000 रुपये देने की बात कही, तब जाकर वह राहगीर माना। बनवारी लाल ने फौरन रुपए लाकर उसे थमा दिए, उसे 5,000 रुपये दे दिए। राहगीर भी सौदे का कागज उसे दे करके उसे 5,000 रुपये लेकर के मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। बनवारी लाल अपना माथा पीटता रह गया, उसे उसके लालच और कंजूसी का अच्छा सबक मिल गया। तो मैंने कुछ यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं, इसे आप अपने कॉपी पे लिखेंगे और उसे याद करेंगे। धन्यवाद।